मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस वी आर वर्किंग फ्रॉम होम स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज सम स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एंड आयंस तो कुछ आयंस की आय हमें क्या बनानी है लुइस स्ट्रक्चर बनानी है इसके लिए बुक में हमें क्या बताऊँगा आपको एक ईजी सा तरीका बताऊँगा आपको देखो जैसे मैं ओ टू की स्ट्रक्चर बनानी है हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी ओ टू की स्ट्रक्चर बनानी है तो ओ टू के स्ट्रक्चर में हम क्या पहले तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल जैसे यहाँ पे दो ऑक्सीजन है पहले तो एटम लिख लेंगे कितने एटम्स हमारे पास जैसे यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे फिर दोनों ऑक्सीजन में क्या होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में भी छह होंगे दोनों ऑक्सीजन में छः छह होंगे तो कितने ट्वेल्व ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे दूसरे ऑप्शन में भी आठ इलेक्ट्रॉन होंगे एट प्लस एट कितने सिक्सटीन तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स है इनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो कैसे निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन टू तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट इन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट कितने हो गए एट प्लस एट सिक्सटीन तो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ट्वेल्व तो सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व अपॉन टू कितना हो गया टू यानी दोनों ऑप्शन के बीच में क्या होंगे दो बॉन्ड बना देंगे हम क्या बना देंगे दो बॉन्ड बना देंगे उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे अच्छा दो बॉन्ड बनने का मतलब क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे कितना होगा दो बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन में और दो बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन में तो चार बॉन्ड तो चार इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार तो ये हो गए बाकी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं है? हमारे पास बारह टोटल थे चार यूज हो चुके हैं बाकी कितने बचे आठ इलेक्ट्रॉन तो आठ को हम क्या करेंगे इसमें मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चार इसके ऊपर और चार इसके ऊपर तो हमने इसके क्या बना लेंगे हम लुइस स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसकी सी ओ थ्री की लुइस स्ट्रक्चर सी ओ थ्री टू नेगेटेटिव की लुइसी स्ट्रक्चर तो इसमें तो पहले नंबर ऑफ एटम्स एक तो हमारे पास क्या है कार्बन है और तीन हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं फोर ऑक्सीजन में कितने होते हैं सिक्स 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 और माइनस का मतलब टू का मतलब क्या है दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास तो दो ऐड कर देंगे अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या यहाँ करते दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देते सॉरी सब्सट्रैक्ट कर देते यानी माइनस कर देते दो इलेक्ट्रॉन अगर प्लस में होते तो माइनस कर देंगे प्लस का मतलब क्या है दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन हम आप पे करेंगे ऐड कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे गए आठ ऑक्सीजन के में भी आठ 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 तो टोटल तो 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थर्टी टू और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस टू कितने हो गए? 24. तो 24 का मतलब क्या होगा अब नंबर ऑफ कितने होंगे नंबर ऑफ ट्वेंटी फोर अपॉन टू यानी कितने आ जाएंगे एट अपॉन टू यानी कितने बोन्ड होंगे फोर तो इसमें हम क्या करेंगे जो हमारे आयन ऐसे आयंस होते हैं या पोली एटोमिक मोलिक्यूल्स होते हैं यानी जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है क्या होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं उसको सेंट्रल आइटम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं सेंट्रल आइटम यानी इसको सेंटर पर रख देंगे हम और फिर इसके चारों तरफ क्या रखेंगे हम दूसरे आइटम्स को रख देंगे तीन ऑक्सीजन आइटम है तो क्या होगा एक दो और तीन आइटम होंगे अब चार बॉन्ड को हम क्या करेंगे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करेंगे तो सिमेट्रिकली ऐसा तो नहीं कर पाएंगे तो एक एक ऑक्सीजन को तो हम क्या दे देंगे दो बॉन्ड दे देंगे और दो को क्या दे देंगे हम एक एक बॉन्ड दे देंगे तो ये तो हो गए क्या नंबर ऑफ बोंड्स चार बॉन्ड्स हो गए अब हम इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में से हम कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर चुके हैं दो चार यहाँ पे हो चुके हैं दो यहाँ पे हो चुके हैं दो यहाँ पे हो चुके हैं तो आठ इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो चुके हैं तो तो अब कितने बचे हैं हमारे पास सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन बचे हैं कितने बचे हैं सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन अब देखेंगे कि इस कार्बन किस आइटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस कार्बन को तो आठ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं इसके ऊपर तो दो चार और चार आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं अब इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं केवल दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं क्योंकि ये तो केवल इस बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेशन में है तो इसको कितने चाहिए अभी छः इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए चार इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और छः इसको चाहिए तो छः छः बारह और चार किसको चाहिए इसको तो चौदह तो चौदह इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें तो हम इसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सॉरी यहाँ पर क्या होगा चौबीस में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हैं हम आठ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर चुके हैं तो छह इसको चाहिए छह इसको चाहिए और चार इसको चाहिए तो छह छह बारह और चार सोलह इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो सोलह ही हमें चाहिए तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी छह इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे छह इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे और ऐसे ही चार इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छ ही होते हैं तो छह के छह पे तो हम क्या कर सकते हैं एक तो इसने यहाँ पे यूज किया था तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया क्या होगा एक ऑक्सीजन उक, ने एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है शेयरिंग में यूज़ किया हुआ है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव और ऐसे पे क्या आएगा नेगेटिव तो ये किसकी कि स्ट्रक्चर होगी सी ओ थ्री टू निगेटिव ऐसे ही एच एन ओ थ्री की स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसे ही सॉरी अगर हमें यहाँ पर एच टू सी ओ थ्री की स्ट्रक्चर देखनी होती तो क्या C, o, OH, o, OH. तो कि हो जाता है केवल इसमें सी डबल बोन ओ ओ एच और ओ ओ एच तो ये किसकी स्ट्रक्चर होती है एच टू सी ओ थ्री क्योंकि एक ऑक्सो एसिड है तो इसमें क्या होगा एच ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा एस सी एच एनोत्री की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होगा एच एन एक दो तीन ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच ऑक्सीजन में छ और छ फिर ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑक्टेट दो पे ही कंप्लीट हो जाता है तो दो नाइट्रोजन का आठ पे होगा इसका भी आठ पे होगा यह भी आठ पे, पे होगा और यह भी आठ पे होगा तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने बैठे हैं यहाँ पे और ये 34 हो गया और टाढ़ा ये कितना हो गया 24 हो गया तो नंबर ऑफ बोन्स कितने आएंगे नंबर ऑफ बोन्स इक्वल टू 34 माइनस 24 अपॉन टू यानी 10 अपॉन टू यानी कितने बोन्स गए 5 यानी ऐसे नोथरी की स्ट्रक्चर में टोटल कितने क तो अब इसमें क्या होगा वैसे लीट इलेक्ट्रोनगेटिव एटम तो हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन को हम कभी सेंट्रल एटम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाता है तो हमेशा याद रखना है हालांकि यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं माना जा सकता क्योंकि ये केवल एक ही बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे हम सेंट्रल एटम फिर किसको मानेंगे नाइट्रोजन को मानेंगे तो सेंटर पे हम किसको रख देंगे नाइट्रोजन को रख देंगे फिर तीन हाइड्रोजन और क्योंकि ये क्या एसिड होता है ऑक्जो एसिड होता है इसमें क्या होता है ऑक्सीजन किसके साथ हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो क्या करेंगे हम तीन ऑक्सीजन एक दो तीन और एक क्या करेंगे हम हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ देंगे तो पांच बॉन्ड बनेंगे एक तो हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा बाकी चार बॉन्ड बनेंगे उनको वैसे ही पहले की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे सी ओ थ्री में किया था एक दो तीन और चार तो ये इसकी क्या हो जाएगी बॉन्डिंग हो जाएगी अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुके हैं दो यहाँ पे दो चार और चार आठ और दो दस इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके हैं बाकी कितने बच रहे हैं फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं तो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन में अभी इसको कितने चाहिए चार इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कितने चाहिए चार और इसको कितने चाहिए छः इलेक्ट्रॉन तो एक दो तीन चार पाँच छः छः इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए और एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई एच एन ओ ऐसे हम देखते हैं एन स्ट्रक्चर. इसमें क्या होगा नंबर ऑफ एटम एन एफ 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 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को भी आठ चाहिए फ्लोरीन को भी आठ तो ये तो कितने हो गए थर्टी टू और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सेवन थ्री जी ट्वेंटी वन प्लस फाइव

सिक्स यूज हो चुके हैं सिक्स यूज हो चुके हैं तो अब क्या करें। अब करेंगे हम अब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा इसको भी अभी दो ही मिले तो इसको भी छः चाहिए इसको भी अभी दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसको भी छः इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको भी दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसको भी छः चाहिए और नाइट्रोजन को कितने मिले हैं दो 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 चार और दो छः तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दो तो दो इलेक्ट्रॉन तो हम किसको दे देंगे नाइट्रोजन को और छः छः इलेक्ट्रॉन हम क्या दे देंगे हर एक फ्लोरिन को दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऐसे नेक्स्ट एन टू में देखते हैं इसमें क्या है दो एटम है फाइव, फाइव, एट, एट। तो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे यानी यानी बनेंगे इसमें तो दो नाइट्रोजन के बीच में क्या बना देंगे हम तीन बोंड बना देंगे और एक कितने इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन सिक्सटीन में कितने यूज हो चुके हैं सिक्स यूज हो चुके हैं बाकी कितने बचे हैं अभी सॉरी टेन इलेक्ट्रॉन है टोटल टेन में से सिक्स यूज हो चुके हैं कितने बचे हैं फोर दोनों को हम क्या करेंगे छः छः इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल चुके हैं तो दो दो इलेक्ट्रॉन और दोनों को मिल जाएंगे ये किसके स्ट्रक्चर होगी एन टू की ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं एन टू ओ फोर की स्ट्रक्चर एन एन और फोर ओ ऐसे ही लिख लेते हैं अलग अलग ना लिख के फोर ओ हम क्या लगेंगे ऐसे लिख लेंगे तो नाइट्रोजन फाइव फाइव और सिक्स इन टू फोर यानी कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन को आठ चाहिए इसको भी चाहिए, और यानी तो टोटल कितने हो जाएंगे? 34, electron हो जाएंगे? जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 48. तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे फोर्टी एट माइनस थर्टी टू अपॉन यानी कितने आ जाएंगे सिक्सटीन ओपन टू यानी एट एट बोन्ड होंगे इसमें सॉरी थर्टी फोर होगा ये तो ये कितने आ जाएंगे फोर्टीन तो कितने आएंगे सेवन बोन्स आ जाएंगे क्या आएंगे सेवन बोंड्स आएंगे तो अब यहां पे क्या होगा क्योंकि हम देख सकते हैं दो नाइट्रोजन है दो लिस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव है तो इन दोनों को ही सेंटर पर रखना पड़ेगा हमें एन एन और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ओ टू कि ट्वाइस भी लिख सकते हैं तो यानी दो ग्रुप होंगे इसमें तो एक और दूसरा एनो तो हम क्या होगा यानी दोनों दो ऑक्सीजन को हम क्या देंगे दो दो ऑक्सीजन यानी दोनों नाइट्रोजन की साइड हम क्या रखेंगे दो दो ऑक्सीजन रखेंगे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी दो नाइट्रोजन रखेंगे और दोनों नाइट्रोजन को क्या चार ऑक्सीजन है तो दोनों नाइट्रोजन को क्या कहेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे अगर एन होता एन ओ फाइव होता तो अब हमें क्या करना पड़ता है एक ऑक्सीजन हम बीच में रख देते हैं अभी नेक्स्ट उसकी स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे एन टू फाइव की भी तो इसमें हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं हम बोन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सात में से एक बोन्ड तो उनके बीच में आ जाएगा बाकी बच्चे छ बोन्ड छः में से तीन बोन्ड इधर और तीन बोड इधर यानी दो एक के साथ और एक एक के साथ ऐसे दो एक के साथ और एक एक ऑक्सीजन के साथ अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन है टोटल थर्टी फोर में से कितने यूज कर चुके हैं हम फोर्टीन तो यूज कर चुके हैं सेवन बोन्ड मतलब फोर्टीन इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में से चार इसको चाहिए चार इसको चाहिए चार और चार आठ छः इसको छः इसको चाहिए आठ और आठ और छः सॉरी छह बारह और आठ कितने हो गए बीस बाकी नाइट्रोजन को हम देखें तो एक नाइट्रोजन के पास चार बोंड है तो यानी आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डबल बोंड वाले को चार इलेक्ट्रॉन दे देंगे हम और सिंगल बोंड वालों को छः इलेक्ट्रॉन दे, दे देंगे तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड टू ओ फोर की स्ट्रक्चर ऐसी एस थ्री बी ओ थ्री की स्ट्रक्चर बी एफ थ्री की स्ट्रक्चर और ओ थ्री की स्ट्रक्चर आप अपने आप ट्राई करें इन द नेक्स्ट वीडियो स्टडी अबाउट द फॉर्मल चार्ज।